हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब राजा ने लोगों से कहा, राजा, ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है? प्रधान याजकों, शास्त्रियों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, मुझे बताओ, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और बैतलहम जाओ, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उस बालक को प्रणाम करूं। ज्योतिषियों ने स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ज्योतिषियों ने हमारे साथ धोखा किया है। बैतलहम जाओ और जितने भी 2 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, सभी को मार डालो। ये मेरा आदेश है। जाओ। काना नगरी में शादी की भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। हे बहन, हमारे पास दाग रस खत्म हो चुका है। अब हम क्या करें? हम लज्जित हो जाएंगे। अब हम क्या करें? चलो, अब हम प्रभु की दासी मरियम के पास चले। चलो, हाँ, चलो। हे प्रभु की दासी मरियम, हमारा दाग रस खत्म हो गया है, कृपया हमारी मदद कीजिए। तुम चिंता ना करो, आओ मेरे साथ चलो। जब दाग रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाग रस नहीं रहा। हे महिला, तुझे इससे क्या लेना देना? अभी मेरा समय नहीं आया। जो ये तुमको करने को कहे वही करो। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, इतने बड़े कि उनमें 20 से 30 गैलन समा सकता था। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। अब थोड़ा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उनके पास वे पानी ले गए, जो अब दाखरस बन चुका था। उसने उसे चखा तो उसने दूल्हे को बुलाया। हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर तूने तो सबसे अच्छा अब तक रख छोड़ा है।
यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। लाजरस नामक व्यक्ति बीमार था, जो मरियम तथा उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया का निवासी था। ये वही मरियम थी जिसने कीमती और शुद्ध सुगंध द्रव्य से मसीह यीशु के चरणों को मलकर उन्हें अपने केशों से पोंछा था। उसी का भाई लाजरस अस्वस्थ था। मार्था, क्या हुआ? हमारा भाई मर गया। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। जब मरियम यीशु के पास पहुंची तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। तुमने उसे कहां दफन किया है? चलकर देख ले प्रभु। पत्थर को हटा दो। हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती होगी। उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने तुझसे न कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? लाजर, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो भी मुझ में विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए, तब भी जीवित रहेगा। विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। मुझ में विश्वास करो तो तुम देखोगे परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद यीशु। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलवाकर कहा, अब हम क्या करें? उन चमत्कारों को तो देखो जो ये व्यक्ति करता है। यदि हम उसे ये करने देंगे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष महायाजक था बोला, तुम सब मूर्ख हो, क्या ये नहीं समझते कि भला है कि एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यीशु मसीह का पकड़वाया जाना। चले सो रहे थे वो जाग रहा था।
पास से हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। तूने इस संसार में मुझे इसलिए भेजा कि पूरी मानव जाति के पापों को मैं अपने ऊपर उठाऊं और इन सब को उस नरक की आग से बचा लूं। हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु नासरी कौन है? मैं हूं। हमें बताओ, तुम्हें यीशु नासरी कौन है? मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। अगर तुम मुझे पकड़ने आए हो तो इन सब को जाने दो। सैनिको, पकड़ लो इसे। क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पूरा हुआ। Yeah!
दोचार किया हम सब की खातिर माँ को मसीह ने सदमों से दोचार किया। किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस सारे जहां के गुनाहों की खातिर कोड़ों की मार को सहा और सलीब पर अपनी जान को गवाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। तो आइए हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। मरियम, आज प्रभु को कब्र में पड़े 3 दिन हो चुके हैं। चलो हम कब्र पर जाकर आते हैं। मरियम, मरियम देखो, कब्र का पत्थर तो खुला हुआ है। देखो, कब्र का पत्थर खुला हुआ है। अरे हाँ, चलो चल कर देखते हैं। चलो, मेरे प्रभु का शव कहाँ है? प्रभु का शव कौन चुरा कर ले गया? तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली, हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली? हाँ, किसने चुराली। तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह तो यहाँ नहीं है, वरन जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो हाजिर बोला फरिश्ता, मर्द ढूंढो तो जी उठा। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, जी उठा। पतरस, याकूब, यहूना, हम कब्र पर गए थे और कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। प्रभु का शव वहां पर नहीं है। प्रभु जी उठे हैं, हमारे प्रभु जी उठे हैं। ये कैसे हो सकता है बहन? तुम ये क्या कह रही हो कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है? एक स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत? उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे और उसने हमसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हाँ, प्रभु जी उठे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? पत्रस, विश्वास कीजिए, हमारा प्रभु सच में जी उठे हैं। जाओ, यूहन्ना, कब्र को लेकर आओ। ये बहन क्या कह रही है? यूहन्ना, ये बहन क्या कह रही है? यूहन्ना, हाँ प्रभु, प्रभु यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, प्रभु प्रभु प्रभु, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ। पतरस, प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना, प्रभु की कब्र खाली है, प्रभु यहाँ पर नहीं है। हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। यूहन्ना, हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। यूहन्ना, तो प्रभु यीशु मसीह है कहाँ पर? याद करो यूहन्ना, उन्होंने हमसे कहा था
किया, वो हमसे पहले गलील में हमारा इंतजार करेंगे। चलो हम अपने भाइयों के साथ गलील को चलते हैं। प्रभु हालेलुया जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया यीशु मेरा। भाइयों हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे, उनकी कब्र खाली है मेरे भाइयों। पत्रस सच कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हाँ 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 प्रभु तुम्हें शांति मिले। मैं फिर कहता हूं तुम्हें शांति मिले। देखो मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियां मेरे पास हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी ना मरेगा, अनंत जीवन उसका है। इसलिए ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। सारे जगत में जाओ, इस बात का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु धन्य है, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा।